गुर्दा रोगियों के लिए गोरखपुर के जिला अस्पताल में 10 बेड का निःशुल्क डायलिसिस केंद्र की स्थापना की गई है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विश्व स्तरीय डायलिसिस केंद्र का 1 नवंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार व हेरिटेज हॉस्पिटल लिमिटेड वाराणसी द्वारा PPP प्रोजेक्ट के अंतर्गत संचालित डायलिसिस सेंटर में 10 बेड रखे गए हैं। एक मरीज के डायलिसिस में 4 घंटे लगते हैं, इस हिसाब से 30 मरीजों का एक दिन में डायलिसिस किया जा सकेगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर SK तिवारी ने बताया कि गुर्दा रोगियों का जहां बाहर से 3 से 4 हजार रुपए देकर डायलिसिस कराना पड़ता था, अब जिला अस्पताल में निशुल्क डायलिसिस करा सकते हैं। इसके संबंध में पूरी जानकारी देते हुए CMO डॉक्टर SK तिवारी ने बताया। गोरखपुर जनपद को डायलिसिस यूनिट मिली है, ऐसा उत्तर प्रदेश प्लानिंग ये है उत्तर प्रदेश सरकार की कि हर ज़िले में जिला मुख्यालय पर एक डायलिसिस यूनिट स्थापित की जाए। उसी के क्रम में गोरखपुर में स्थापित हो चुकी है। ये हमारी यूनिट 10 बेडेड है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलेगी। इसको चलाने वाले हैं हेरिटेज इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी के, और हम लोग के यहाँ उनको जगह और सारी चीज़ें मुहैया कराई गई हैं। ये मरीज़ के लिए पूर्णतया निःशुल्क होगी और हमारी यूनिट 10 बेडेड है। 10 बेडेड का मतलब दिन में हम 3 शिफ्ट में डायलिसिस करते हैं, 30 मरीजों का एक दिन में डायलिसिस होती है, और इस तरह से हम 60 मरीज़ एकोमोडेट करते हैं, क्योंकि हर मरीज़ की अल्टरनेट डे डायलिसिस करानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़रूरी होती है। यदि कोई उसमें से मरीज़ यहाँ से छोड़ के कहीं और डायलिसिस कराने लगता है तो वो हमारी सीट वैकेंट हो जाती है, हम उस पर दूसरा डायलिसिस का मरीज़ ले लेते हैं। यदि किसी की दुर्भाग्यवश डेथ हो जाती है तो वो भी सीट खाली हो जाती है, तो हम उसके अलग से एक मरीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं। या अगर उसका किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रेफ़र कर दिया जाता है और वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए चला जाता है तो वो भी सीट खाली हो जाती है, तो हम उस पर तीसरा मरीज़ ले लेते हैं। इस तरह से एक वेटिंग लिस्ट बनी हुई है फर्स्ट कम फर्स्ट के हिसाब से, उसमें किसी भी तरह की सोर्स सिफारिश नहीं लगती है और उन मरीज़ों को ये लाभ दिया जाता है। मरीज़ों के हित में ये होता है कि अगर वो वीक में 3 बार डायलिसिस कराते हैं तो जो भी टॉक्सिन्स किडनी की खराबी की वजह से उनके शरीर में पनपता है, बढ़ता है, वो साफ़ हो जाता है और उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। तो ये सुविधा मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित 1 तारीख को कार्यक्रम है कि ये उसका लोकार्पण करेंगे, उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन किया जाएगा। किडनी के मरीज को लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जो डायलिसिस प्राइवेट नर्सिंग होम्स में करीब 3,000 से 6,000 रुपये की होती है वो यहाँ पर निःशुल्क दी जाएगी।